हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइन स्किल। और आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस मेथड फॉर शीट मेटल पार्ट फॉर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो बेसिकली शीट मेटल डोमेन के ऊपर है। और जो भी फ्रेंड्स मेरे फ्रेशर्स जो भी कोर्स कर रहे हैं 3D मॉडलिंग के, जैसे क्रियो हो गया, कटिया हो गया, UGNX हो गया, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि वो जब शीट मेटल पे उनको सिखाया जाता है तो मोस्टली जो है पार्ट कैसे बनाना है, उसके अंदर फ्लैट व्यू, डेवलपमेंट व्यू और वो कैसे करना है, और वो जो फ्लैट व्यू डेवलपमेंट व्यू जो बनाते हैं वो ड्राइंग में कैसे ऐड करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली ये नहीं सिखाया जाता है। तो वही, और ये भी मैं इंडस्ट्री में ही सिखाऊँ ये सब करना। तो जब भी हम इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते। तो मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे भी अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो, कुछ भी कहीं जाते हो, शीट मेटल मॉडल बनाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिंपल मॉडल बनाऊँगा, उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी हम चेक करेंगे और फ्लैट व्यू बनाएंगे और ड्राइंग में ऐड करेंगे, यही इंटेंशन है। तो फ्रेंड्स, CREO-2 सॉफ्टवेयर में ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि प्रोई भी आप सबको पता होगा, CREO-2 प्रोई। तो एक सेकेंड, तो फ्रेंड शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्ट ले रहा हूँ और उसके अंदर ले रहा हूँ शीट मेटल, सॉलिड, मोस्टली सॉलिड होता है और शीट मेटल होता है, तो मैं शीट मेटल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ इसी नंबर डाल देता हूँ अभी, तो 02 पार्ट, और हम थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग में कर लेता हूँ, यहाँ पे लेंस ऑन रखते हैं। और मोस्टली जब आप कौन सा भी पार्ट शुरू करते हो तो आप उसको चेक कर लेना कि वो इंच में है या एमएम में है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा रहा है इंच के अंदर, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एमएम में चाहिए, तो मैं इधर एमएम सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मोस्टली हम जब कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इंच एमएम कहाँ करना है, तो वो यूनिट कन्वर्जन जरूर देख लें, अपने अपने सॉफ्टवेयर में अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पे अपना क्रियो का दिखा रहा हूँ, तो ये था। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक सिंपल मॉडल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक प्राइमरी वॉल कुछ क्रिएट करना होगा, जो कि हम 2 mm थिकनेस की बनाते हैं। मोस्टली जो शीट मेटल की थिकनेस होती है वो लेस देन 7 mm रहता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत जगह पूछा जाता है कि शीट मेटल की मिनिमम थिकनेस कितनी, मिनिमम थिकनेस रहती है 0.5 और मैक्सिमम यूज़ होता है 7, तो लेस देन 7 और 0.5 क्या वो, तो उसके बीच में जो भी थिकनेस आती है और जो भी पार्ट्स बनते हैं थिकनेस वाले, हम बेसिक लैंग्वेज में उसको पतरा भी बोलते हैं, जो पतरा रहता है शीट मेटल का, तो वो भी बोलते हैं हम उसे, तो ये ध्यान में रखिए। और कंपनियों के अंदर 12 या 10 एमएम का भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 7 mm का ही हो जाएगा, तो 10 mm का भी यूज़ कर लेते हैं, 12 mm का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो भी मोस्टली यूज़ होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थिकनेस ऑटोमेटिक ले लेगा, हमें सिर्फ स्केच निकालना था, तो यहाँ पे ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम एक फ्लैट लेते हैं, आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे उसके अंदर ये देख लीजिएगा, मोस्टली नाम अलग अलग होता है, वर्क सेम ही होता है। फ्लैट क्रियो के अंदर ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसके अंदर हम जो भी स्केच बनाए उसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसे एडिट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ स्प्लाइन वाइन के जैसा बना लेता हूँ। तो ये एक एडवांटेज है फ्लैट कमांड का, यहाँ पे कुछ है तो ओके, ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस साइड का फ्लैट पोर्शन बन गया, और उसके बाद मैं प्लेन हाइट कर देता हूँ, और एक फ्लैट हमने डाल दिया है यहाँ पे, थिकनेस मैंने जानबूझ के कम रखी है, और यहाँ पे मैं दूसरा फ्लैट डालता हूँ, तो ये ले नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो
तो हम जो हमारा पहला पोर्शन था उसे हम एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें वहाँ पे वॉल थिकनेस बहुत ही कम मिल रही है, हम 15 कर लेते हैं। और डायमेंशन यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ठीक है। अब मैं लेता हूँ सेकंड फ्लेंज, ये अभी इसने ले ली है, ठीक है। ऐसे हम एडिट करते हैं, 15 लेते हैं। यहाँ पे कट नहीं हो रहा है इसलिए हमें रिलीफ में जाना पड़ेगा, इसे नो रिलीफ बोलना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। रिलीफ के बारे में बता देता हूँ मैं, रिलीफ देना पड़ता है पार्ट्स को। जैसे कि ये पार्ट है, मैं रिलीफ में जाता हूँ, रिलीफ के मोस्टली रेक्टेंगुलर या अब्रंड होता है, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दिखाना होगा, ठीक है। अगर ये पार्ट मेरा बाहर एक्सटेंडेड है तो मुझे इस तरह का कुछ रिलीफ मिलेगा, और अगर इसे मैं -5 करता हूँ अंदर की साइड में तो इस तरफ का, तो ये रिलीफ देना पड़ता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ये देना होता है। तो इसमें दो मोस्टली थे, एक तो रेक्टेंगुलर रहता है, यहाँ पे अबराउंड है दिया मैंने, जिसको रेडियस दिखता है इस तरह का, और एक होता है जो रेक्टेंगुलर होता है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। तो अगर मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए तो थोड़ा बहुत मुझे इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, -2 करता हूँ मैं, तो इस तरह से कट होगा, है ठीक है, ये बराबर है। तो ये हमारा पार्ट है, ये बन तो गया है शीट मेटल के अंदर। तो मोस्टली सॉफ्टवेयर का प्रोसेस ये है कि हम शीट मेटल पार्ट कुछ बना देते हैं, उसके बाद हम उसे उसका फ्लैट होता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक अनबेंड कमांड है, अनबेंड कमांड है, या फिर यहाँ पे फ्लैट पैटर्न व्यू का प्रीव्यू करके एक कमांड है, ये दोनों में से कोई भी एक चेक कर सकते हैं। तो हम, मैं अनबेंड यूज़ करता हूँ। अनबेंड में मैं देखता हूँ कि ये फ्लैट हो रहा है या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फ्लैट हो रहा है, क्योंकि जब भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है ये पार्ट की, तो जो भी मेरा शीट होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लैट शीट होगा, और इस टाइप का मुझे पहले लेज़र कट करना होगा, उसके बाद में ये सारे बैंड उसके अंदर डालूंगा और मेरा पार्ट बनेगा। तो मतलब जो मॉडलिंग मेथड है और जो प्रोसेस है वो रिवर्स है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो ये हम जस्ट चेक कर रहे हैं, अभी हम कुछ डाल नहीं रहे हैं इसके अंदर। तो ये मैंने चेक किया कि ये बराबर बन रहा है। इसके अंदर हम और एक फीचर ऐड कर देते हैं, कुछ नेमिंग वेमिंग कर देते हैं, नेमिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे अपना मॉडल जस्ट सिंपल मॉडल है, तो मैंने बना दिया है यहाँ पे। जस्ट और एक फीचर जस्ट बनाते हैं, और मैंने फेस तो ऑलरेडी ले लिया है ये वाला, कुछ नहीं है। हमें जो नाम वगैरह डालते हैं कभी कभी हम शीट मेटल पार्ट है, वही मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, इसमें जो एक्सट्रूड कमांड होती है वो हमेशा कट होता है, मोस्टली ऐड भी कर सकते हैं लेकिन कट ही होता है, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला है वो एम्प्टी ऐसे, और मैं अभी देखता हूँ कि टेक्स्ट डालने के बाद मेरा बेंड होता है या नहीं। तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेंड दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अनबेंड कमांड ली है मैंने और मुझे नहीं दिख रहा है, सिलेक्ट सरफेस और एजेस टू अनबेंड। तो इसने ये सरफेस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिया है लेकिन वो अनबेंड नहीं दिखा रहा है मुझे। तो इश्यू इसमें ये है कि ये जो जीरो है, अगर इस तरह से कट करेंगे तो ये जो मटेरियल है, मतलब प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग में जब होगा तो ये रिमूव हो जाएगा, मतलब अगर मैं जीरो कट करता हूँ इसके ऊपर। क्योंकि अगर मुझे ये यहाँ पे अगर दिखाना तो मुझे कुछ तो कनेक्शन देना होगा, मटेरियल का फ्लो यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए ये नहीं हो रहा है। जैसे कि ये एम कनेक्टेड है, टी कनेक्टेड है, लेकिन ओ का जो अंदर का जो है वो कनेक्टेड नहीं है, कहीं मटेरियल फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से एडिट करता हूँ, एडिट, और तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये ओ हटा देता हूँ, और ये करता हूँ टी। ओके, तो यहाँ पे एंट्री ले लिया है। इसके बाद हम फिर से
अनबेंड कमांड चेक करते हैं होता है या नहीं। तो अनबेंड ये रहा, हो गया। तो बस एक सिंपल जस्ट लॉजिक बताने के लिए आपको बताया हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करता हूँ। रेडियस वगैरह देना रहता है कॉर्नर्स के रेडियस को, देखो इस तरह से दिखेगा ये, लेकिन ये हमें अभी नहीं देना, अभी हमारा रेडियस वगैरह बाकी है। तो ये मैं ऐसे रहने देता हूँ, मैं इसे फाइन ट्यून करता हूँ थोड़ा और। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने थोड़ा फाइन ट्यून किया, इसको रेडियस दिया और एक स्लॉट दे दिया है, क्योंकि शीट मेटल को हमेशा कुछ ना कुछ माउंटिंग के स्लॉट होल्स वगैरह कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्लॉट ऐड कर दिया है, अगर आपको फिर भी देखना हो तो। ये हमने यहाँ तक देखा था, उसके बाद मैंने राउंड दे दिया है और जस्ट दो स्लॉट ऐड कर दिए हैं। राउंड मोस्टली नीचे होना चाहिए, ठीक है, राउंड हम बाद में देने चलेंगे, मैंने पहले दे दिया, ठीक है। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा, अभी वापस एक बार अनबेंड चेक कर लेते हैं, हो रहा है अनबेंड, कोई इशू नहीं है, तो इसे कैंसिल करते हैं। अभी हम इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें फ्लैट व्यू क्रिएट करना है। तो फ्लैट व्यू के लिए यहाँ पे फ्लैट व्यू जो पैटर्न करके ऑप्शन है, तो फ्रेंड हम अभी इसे फ्लैट व्यू का देखेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट पैटर्न करके कमांड है, अनबेंड से भी कर सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट वे यही है फ्लैट पैटर्न। तो फ्रेंड हम इसका फ्लैट व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, और फ्लैट पैटर्न हमने बोल दिया यहाँ पे, ये फ्लैट हो गया है। और देखिए यहाँ पे फ्लैट पैटर्न, और फ्लैट पैटर्न बोलने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट इंस्टेंस, क्योंकि फ्लैट व्यू है इस तरह का, वो अलग से एक पार्ट क्रिएट होगा, और हमारा जो पार्ट रहेगा जहाँ पे बैंड वगैरह है वो इस तरह का पार्ट, ये एक पार्ट रहेगा, और एक मतलब दो पार्ट क्रिएट होंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ से क्रिएट इंस्टेंस इधर अंडर 02 फ्लैट, क्योंकि हमारा पार्ट का नाम है 02 और फ्लैट जो क्रिएट होगा वो ये है। तो अगर हम ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फ्लैट टू पार्ट किस तरह से बनेगा ये, और अगर हमें उसे चेक करना है बना या नहीं, तो हमें फैमिली टेबल में जाना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 02 फ्लैट 2 करके दिखा रहा है, तो इसे जस्ट अगर यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे अनसक्सेस होता है, तो यहाँ पे जस्ट वेरीफाई करना होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे वाई आ गया है तो सक्सेसफुल आ गया है। तो आप ये सक्सेस चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं वेरीफाई, तो इस पर जस्ट क्लिक कीजिए और इसे ओपन बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्लैट 02 अंडरस्कोर फ्लैट हो गया, और ये हमारा बेंड वाला पार्ट, इसके अंदर अगर मैं पे डिलीट मारता हूँ तो मुझे मेरा ये मिल जाएगा, या फिर मैं इसे अनबेंड फीचर डाल देता हूँ और मैं इसे सप्रेस करके रखता हूँ जस्ट, ठीक है। तो मेरे दो हो गए, यहाँ पे मुझे डालना होगा फ्लैट, ओके बोल देना, ठीक है। तो 02 अंडरस्कोर फ्लैट के अंदर मेरा फ्लैट पैटर्न आ गया, और 02 के अंदर मेरा फ्लैट पैटर्न मैंने डिलीट मार दिया है। रखना हो तो सप्रेस करके रख दीजिए, वरना डिलीट मारा तो भी चलेगा, और फ्लैट व्यू के अंदर हमें ऑलरेडी डाल दिया है। तो ये जो फ्लैट पैटर्न है ये एक मेथड है, और दूसरा मेथड ये है कि हम अनबेंड बोल दें यहाँ पे, या फिर फ्लैट व्यू के अंदर, दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। अनबेंड बोल सकते हैं लास्ट के अंदर, या फिर फ्लैट पैटर्न हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ्लैट व्यू बना लिया है, और एक फ्लैट बना लिया। अब हमको ड्राइंग बनाना है, तो ड्राइंग के लिए हमें पार्ट के अंदर ही बोलना पड़ेगा न्यू ड्राइंग, और यहाँ पे मैं 02 बोलता हूँ, और एक कोई भी डिफॉल्ट ले लीजिए, अभी तो इतनी ले लेता हूँ मैं साइज। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपको, 02 फ्लैट डालना है, जनरेट डालना। तो हम पहले जनरेट डालेंगे, तो जल्दी के अंदर मेरा ऐसा कुछ आ गया है, शीट का साइज बड़ा हो गया, A4 प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। ये तो मेरा हो गया, एक सेकेंड लॉक होगा,
जस्ट आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, 02 मॉडल, तो अभी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी ऐड हो रहा है वो बेंडेड पार्ट जो है हमारा वो ऐड हो रहा है, 02 पार्ट ऐड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा स्केल 1:1 होना चाहिए। कभी भी हम इसके लिए 1:1 स्केल रखते हैं फ्लैट पैटर्न के लिए, क्योंकि 1:1 जो रहेगा वही मैन्युफैक्चरिंग में लेजर कट में कट होता है। तो उनको हमें एक 2D फाइल देना होता है, जो भी 3D मॉडलिंग में जो भी हम फाइल बनाते हैं तो हमें उसे 2D फाइल देना होता है। तो उसके लिए हम 1:1 स्केल ही रखते हैं, और हमें ड्राइंग मॉडल्स के अंदर जाना है। मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह ऐड करना है। तो ऐड मॉडल बोलेंगे, और ऐड मॉडल बोलने के बाद मतलब इस ड्राइंग के अंदर हम एक मॉडल और एक ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी 02 पार्ट है, अब हमें फ्लैट ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फ्लैट, 02_फ्लैट, यहाँ पे भी वही आ गया। या फिर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, या भी सिलेक्ट कर लीजिए जो ऑलरेडी आपने बनाया है, और ये होने के बाद फिर डन बोल दीजिए। और अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे दो पार्ट दिखेंगे, क्योंकि हमने अभी ऐड किया है 02_फ्लैट। अब मैंने फ्लैट सिलेक्ट किया, जब मैं ड्राइंग व्यू बोलूंगा, प्लेस करूंगा फ्रंट, ओके, और हमें इसका एक व्यू डाल देता हूँ। ये तो इस तरह मुझे ये मिल गया, इसमें मेरी थिकनेस मिल गई, इसमें मेरा फ्लैट व्यू मिल गया। इसको थोड़ा सा हम नो हिडन अप्लाई, ओके, ये अभी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्लिक हो जाएगा तो इस ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं नो हेडर डिम अप्लाई, ओके। अब मुझे यहाँ पे और एक चीज डालना है, देखिए ये सारे डायमेंशन है जो हमने दिए हैं, मुझे सिर्फ ये ब्लेंड लाइन डालना है, क्योंकि मुझे तो दिखाना है कि मेरे यहाँ दो जगह बेंड है, ठीक है। तो जस्ट मुझे शो करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। डायमेंशनिंग मैं करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ओवरऑल डायमेंशनिंग कर दी है। मेरा इंटेंशन यही है कि आपको ड्राइंग के अंदर फ्लैट व्यू डालने आना चाहिए, और उसके जस्ट आप ओवरऑल डायमेंशन दे सकते हैं 39.7 और 27, मैंने ओवरऑल डायमेंशन दिया है। क्योंकि अगर मुझे ये पार्ट बनाना है तो मुझे कम से कम शीट का जो लेंथ होगी और विड्थ होगी और थिकनेस होगी, तो इसके लिए मुझे ये फ्लैट व्यू जरूरी है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पे जो पहला बैंड है ये एच से 13.1 पे है, और अगर इस एच से लेता हूँ तो वो 16 पे है। तो दो बैंड है इसके अंदर, और इसकी ओवरऑल लेंथ ये है। तो इसके हिसाब से ही जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेजर कट होगा ये पार्ट, तो इसके हिसाब से ही होगा। और लेजर कट के लिए भी हमें इसे फाइल से कॉपी, इसको एक्सपोर्ट और DXF के अंदर करना होगा, DXF या DWG, क्योंकि ये 2D फॉर्मेट है, तो ये करना होगा। और प्रीव्यू देख लेते हैं, और 1:1 स्केल रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, 1:1 स्केल रखना है हमें। तो जस्ट हम प्रीव्यू देख रहे हैं, हमारा प्रीव्यू ऐसा आ रहा है कुछ, ये हमारा प्रीव्यू है, और हम इसे एक्सपोर्ट बोल देते हैं, और इसे DWG हमारे वही जो वर्किंग डायरेक्टरी सेट है वहीं पे सेव कर लेंगे। बस ये दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे होता है, स्मॉल कंपनी में मोस्टली ऐसे ही होता है, मिडल स्केल कंपनी के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनी में वो डायरेक्टली मॉडल दे देते हैं। तो अगर ये मेरा सेट व्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ मॉडल के अंदर, तो मुझे फ्लैट दिखता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इसको 02 सेट कर दूँगा, क्योंकि मुझे जब भी ओपन करना है तो बेंडेड पार्ट ओपन करना है। तो इस तरह से फ्रेंड हम एक मतलब प्रोसेस यही है कि सबसे पहले हम एक बेंडेड पार्ट बनाते हैं, मतलब थिकनेस अपने को पता रहती है, या फिर लेते हैं हम थिकनेस एज पर कंपनी स्टैंडर्ड जो भी होता है, 2 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 10 mm का भी रहता है, 12 mm का भी रहता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनाते हैं, फिर कुछ में फ्लैट फ्लेंज वगैरह ऐड करते हैं। इसमें और भी है जहाँ हम मतलब बेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये पंच वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन मैंने सिंपली आपको जस्ट बताने के लिए कि कैसे एक सिंपल मॉडल बनेगा, और बेंडेड मॉडल बनने के बाद उसका
एक फ्लैट व्यू क्रिएट बनेगा, तो ये आप सेव कर लीजिए। और ओके, तो सेव है मेरा, ठीक है। उसके बाद मुझे ड्राइंग में किस तरह वो ऐड करना है, क्योंकि आप इंटरव्यू को जाओगे आप ये बना भी लोगे, मॉडल बना लोगे ऐसे सब, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं हो कैसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या किया था हमने कि हम ड्राइंग मॉडल में गए थे, यहाँ पे ऐड मॉडल बोला था, ड्राइंग मॉडल्स ऐड मॉडल। ऐड मॉडल करने के बाद विंडो पॉपअप होती है और हमें दिखता है कि 02 फ्लैट है, 02 फ्लैट को हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे 02 आ गया था, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक था एक्चुअली, पर हमने वो डन कर दिया था। मतलब हमारे जो ये जो हिस्ट्री ये जो दिखता है कौन से मॉडल, इसमें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि दो ही ऐड कर सकता हूँ, और भी मैं ऐड कर सकता हूँ करना हो तो। और फिर हमने क्या बोला, जनरल बोला, क्योंकि व्यू जो भी प्लेस होता है वो जनरल होता है। अभी यहाँ पे फ्लैट है तो इसलिए फ्लैट सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 02 बोलता हूँ, जो कि अपना बेंडेड पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे ओके बोलता हूँ तो मेरा बेंडेड पार्ट यहाँ पे ऐड होगा, समझ रहे हैं आप? यही बस मैं दिखाना चाहता था। चलिए मैं यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ अभी के लिए। तो बस यही था इसके लिए। और एक पार्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट मैंने बनाया है ये, ऐसा सिंपल पार्ट है ये, आपको सबको पता होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, मतलब जो डोर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे रहता है ये, सिर्फ 2 या 3 कमांड में ही बना है। फर्स्ट मैंने एक्सट्रूड ले लिया फर्स्ट ऑल, और उसमें डायरेक्टली ये प्रोफाइल बना दिया, और उसको थिकनेस थी, और उसमें ये होल डाल दिए, उसको राउंड दे दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। और मैं और इससे भी अगर मुझे फ्लैट व्यू क्रिएट करना है तो यहाँ प्रिपेयर करके ऑप्शन है, प्रिपेयर मॉडल प्रॉपर्टीज और इंस्टेंस, क्योंकि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है अपने पार्ट का, अपने पार्ट से ही लिंक होना चाहिए वो पार्ट, इसलिए हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके बोलता हूँ तो हम इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और फैमिली टेबल में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये इंस्टेंस ऐड कर दिया, इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे जो मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस था, यहाँ पे अनवेरीफाइड बता रहा है, तो हमें ये ज़रूर करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जब सक्सेस आ जाएगा क्लोज, तो मेरा ये एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इसमें ओपन बोल दूंगा, और यहाँ पे मेरा मैं अनबेंड डाल दिया, तो ये हो गया मेरा फ्लैट। तो ये क्या है, इंस्टेंस है, इसे हम जब बनाते हैं तब फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो ये जस्ट बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ये इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने अनबेंड नहीं डाला है और वहाँ पे डाला है, और इसका जो ड्राइंग में ऐड करना है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको किस तरह ऐड करना है, जस्ट आपको बताने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक थोड़ा और क्रिटिकल मॉडल थोड़ा बनाऊंगा, जो जिस टाइप के मतलब जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनके लिए, तो वो भी मैंने जस्ट बना के रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट इस टाइप का ये मॉडल है, इसके अंदर मैंने पंच वगैरह बहुत का कुछ कुछ यूज़ किया है, तो ये मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड यही था मेरी तरफ से आज के वीडियो में, कि आपको जस्ट बताना है कि एक सिंपल पार्ट कैसे बनाया जाए, उसको फ्लैट व्यू कैसे ऐड किया जाए, ड्राइंग में कैसे ऐड करें हम, बस। और बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, और जो आपको वैल्यू एडिशन हो, आपको कहीं पे मतलब उसका यूज़ हो, यूज़फुल हो वो आपको, मतलब ऐसे कमांड बता दूं, या फिर ऐसे मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे जस्ट जो मैंने फेस किए हैं कहीं पे इंटरव्यू मुझे नहीं आता था तब, तो वही मैं शेयर करता हूं, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद रिवर्स इंजीनियरिंग पे एक डाल दूंगा, और मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर भी डालने वाला हूं। तो कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ डाउट्स हो तो बताना, मैं आपको मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो यही था फ्रेंड मेरे तरफ से। तो इस वीडियो में हमने ये सब देखा है कि हमने मॉडल बनाया, मैन्युफैक्चरिंग चेक की हमने बनाते टाइम, फ्लैट व्यू क्रिएट किया, और डेवलपमेंट व्यू फ्लैट व्यू जो भी है हमने ड्राइंग में ऐड किया। ये टर्म्स ध्यान में रखिए, डेवलपमेंट व्यू फ्लैट व्यू एक ही टर्म है पर अलग अलग यूज़ होता है बस। तो फ्रेंड यही था मेरी तरफ से आप सबके लिए, और थैंक यू वेरी मच।